सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी का नई वीडियो में। लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जो गिव अवे की बात मैंने करी थी अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे। काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता चली, काफ़ी सारे ओपिनियन पता चले। एंड या सो ये होने वाली गिव अवे की अनाउंसमेंट वाली वीडियो, एंड कौन सा गिव अवे हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके बारे में बात करने वाले। सो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। साथ ही साथ इसके अंदर गिव अवे होने के साथ साथ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप और दूसरे स्वैग्स भी अर्न कर सकते हो बाय डूइंग सम स्टफ्स। वो कौन से स्टफ्स है वो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। साथ ही साथ हम जो एक सोशल कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है एक पेज को सपोर्ट कर रहे हैं जो स्ट्रीट डॉग स्ट्रीट एनिमल्स को हेल्प करता है, जिन्हें कोई वायरस हो गया है या जिन्हें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है और उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, तो उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो या डोनेट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते सो एटलीस्ट सो सम सपोर्ट टू देयर पेजेस। एंड मेरे और वाले पेज दोनों की इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हम दोनों को ही आप फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट फॉलो करके उन्हें सपोर्ट कर दो, आपकी स्टोरी से मे भी कोई दूसरा बंदा उन्हें डोनेट कर दे जिससे किसी का हेल्प हो जाए। ओके, नाउ गेट बैक टू अवर वर्क। सबसे पहले जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था अपने चैनल के ऊपर रिगार्डिंग आर यू एक्साइटेड फॉर गिव अवे, बिकॉज वी जस्ट हिट 17K सब्सक्राइबर्स। तो जैसा आप लोगों को पता है हमने जस्ट रिसेंटली में ही 17K सब्सक्राइबर्स से भी ज्यादा सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए है। आप लोगों को नहीं दिखते लेकिन मुझे दिखते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको चॉइस दी थी कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज है, या तो आपको स्वैग्स मिल सकते हैं या तो आपको GCP वाउचर्स मिल सकते हैं। एंड 286 वोट्स आए हैं, ठीक है, मतलब एक काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं वोटिंग हुआ है इसके ऊपर। एंड लेट्स सी, मैं भी अपना वोट देख के परसेंटेज देख लेता हूँ, तो यार मुझे लगता है ये ज़्यादा वर्थ इट है। ओके, 72% लोगों ने बोला है कि भाई हमें स्वैग्स गिव अवे चाहिए, 28% लोगों ने बोला है कि हमें जो है GCP के 100% फ्री वाउचर्स चाहिए, जिसके थ्रू हम जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं गूगल क्लाउड के लिए। कमेंट्स भी देख लेते हैं लोगों का क्या ओपिनियन आया है। एंड GCP ब्रो, इट विल हेल्प समवन्स करियर, बात सही है, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था बहुत ज़्यादा वाइजली चूज करना, ठीक है। स्वैग्स गिव अवे, चलो देखते हैं क्या मिलता है। यस ब्रो, के खिलाओ यार। ओके, GCP वाउचर्स, स्वैग्स, आई नीड GCP वाउचर्स, लक नहीं रहता है मेरे पास, फिर भी कोशिश करूंगा। ओके ओके, GCP दे रहे हो, AC ही नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं आपको CDL के वाउचर्स दे रहा हूँ, ठीक है। और ये 100% फ्री वाउचर्स होने वाले, रिडीम कैसे करना है उसकी प्रोसेस में जल्दी शेयर कर दूंगा। वाउचर सर, इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ने के बाद जो है मैंने सोचा है कि क्यों ना दोनों ही गिव अवे कर दिए जाए, ठीक है। सो आज वाली वीडियो में होने वाला है स्वैग्स गिव अवे, और कल वाली वीडियो होने वाली है पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू अवर GCP वाउचर्स। बात करते हैं कितने लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि मैंने लिखा था मोर देन वन पीपल्स, सो राइट नाउ वी डिडंट डिसाइड एनी नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है। बट एज फार एज आई नो दो कर दे, तीन कर दे, चार नहीं पाँच, पांच कर देते हैं, पांच वाउचर्स गिव अवे करेंगे। एंड ये सब हमारी तरफ से होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड ये चैनल आप लोगों के लिए ही डेडिकेटेड है, तो आप लोगों के लिए ही चीज़ें आएगी। बेशक GCP वाउचर्स को कम पॉइंट्स मिले, बट ये अली कमेंट ने दिल जीत लिया, ठीक है। सो या हम दोनों ही गिव अवे कर देते हैं, चलो 17K के लिए। सो क्या प्रोसेस रहने वाली है स्वैग्स के लिए आज वाले गिव अवे में, उसकी बात कर लेते हैं। और विनर्स रेंडमली सिलेक्ट करे जाएंगे, दो किसी के थ्रू सेलेक्ट करे जाएंगे और बाकी रिमेनिंग विनर्स हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। कितने विनर्स होने वाले हैं उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये स्वैग्स गिव अवे जो है वो हमारे साथ कौन मिलके करवा रहा है, तो यार कोडिंग निंजा जो है आप लोग के लिए हमारे साथ कोलैब करके इवेंट लेके आया है, और साथ साथ स्वैग्स जीतने की अपॉर्चुनिटी लेके आया है। चाहे आप इवेंट में हारो या जीतो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको हमारी तरफ से स्वैग्स मिल सकते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। साथ ही साथ अगर आप इनके इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो और उसमें जीतते हो तो उनके स्वैग्स अलग आपको मिलने वाले हैं। ओके, इवेंट का नाम है निंजा स्पिरिट आइडियाथॉन 1.0, ठीक है। कोडिंग इवेंट होने वाला है ये, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए होने वाला है, घर बैठे बैठे इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 831 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, 22 डेज स्टार्ट है, स्टार्टिंग टाइम मतलब अभी 22 दिन तक इवेंट चालू नहीं होगा, आप लोगों के लिए है, आप आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं यार कि टोटल प्रॉब्लम्स जो है 30 प्रॉब्लम्स होने वाली है और टोटल MCQ बेस्ड प्रॉब्लम होने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एनी कॉलेज स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगेन डिटेल्स क्या है, तो यार ये कोडिंग कॉन्टेस्ट है जहां पे आपके पास टोटल 30 MCQs रहने वाले हैं।
स्टेजेस की बात करें तो यार ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसके अंदर आपको 30 MCQs मिलेंगे और आप जो इसे अर्लियर भी स्टार्ट कर सकते हो फॉर बेटर जितने भी आपके टीम मेंबर्स होंगे। एक चीज़ और बता दूँ, एक टीम इवेंट है तो आपको टीम के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे वो सबको अपने अपने पीसी से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ग्रुप का एक बंदा बैठ के कर रहा है पूरा इवेंट, नहीं सबको करना पड़ेगा, सबके 30-30 MCQs आएंगे, सबको सॉल्व करना है। ओके, अगर आप पहला राउंड क्लियर करते हो तो आपके पास आइडिया सबमिशन राउंड आएगा जहां पे जो टॉप 25 टीम्स होगी जो शॉर्टलिस्ट करी जाएगी उनको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी ऑन विच थिंग्स। तो एक आइडिया बेस्ड आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक आइडिया एक थीम आपको प्रेजेंट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप जो है आपको मतलब टॉपिक्स दिए जाएंगे किस पे आपको प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है एंड आपको उसको थोड़ा मतलब एडवांस बनाना है, लाइक बनाना है मतलब आइडिया सोचना है कैसे इसको एडवांस करा जाए, क्या चीज़ें कर सकते हैं और आप जो है स्टेज टू के लिए क्वालिफाई कर जाओ अगर आप ये कर लेते हो तो। ठीक है, स्टेज थ्री में ग्रैंड फिनाले राउंड होगा जहाँ पे शॉर्टलिस्ट पार्टिसिपेंट जो है उन्हें अवेलेबल होना पड़ेगा ऑनलाइन फाइनल राउंड के लिए और यहाँ पे आप अपने प्रेजेंट करोगे सॉल्यूशन को प्रोटोटाइप फॉर्म में और प्री डिसाइडेड डेट्स आपके हिसाब से रहने वाली है, मतलब जो भी कंपनी के नॉर्म्स रहेंगे उसके हिसाब से रहने वाली है। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा जो जजेस है वो अपना रिजल्ट सुनाएंगे और जो भी चीजें रहेगी आपकी आपके सामने रख दी जाएगी। सबसे बड़ी बात, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता इसके लिए और कोई भी चीज को ये लोग एंटरटेन नहीं करेंगे कोई भी गलत चीज को। अगेन गाइडलाइंस की बात करें तो टीम में 3 से 5 मेंबर्स होने चाहिए। टीम का फॉर्म आपको ये वाला फिल करना पड़ेगा, तो आप देख के फिल कर लेना, फॉर्म फिल करके मैं नहीं बताऊंगा। ओके, पार्टिसिपेंट्स को जो है ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप जो है चैलेंज को ले और टैकल करें, प्रॉब्लम को एटलीस्ट सॉल्व करें, गाइडलाइंस के हिसाब से सॉल्व करें, थीम के हिसाब से सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं प्रिस्क्राइब करी जाएगी। आपको फ्रीडम है कि आप कुछ भी सिलेक्ट कर उसके ऊपर अपना एक आइडिया लेके आ सकते हो। लाइक जैसा मैंने बोला, आपको एक प्रेजेंटेशन, मैंने गलत बोल दिया शायद पहले, कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए थीम मिलेगी, आपको अपने हिसाब से कुछ भी एक प्रॉब्लम सोचनी है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए मैं ऐसा ऐसा कर सकता हूँ, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट राउंड। अगेन आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन को पिच करना पड़ेगा, अगेन 5 से 6 स्लाइड मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी, देन आपके टीम मेंबर्स जो है वो पार्टिसिपेट करना रिक्वायर्ड है टेस्ट कलेक्टिवली में। ठीक है, टॉप 25 टीम्स जिनके हाईएस्ट स्कोर रहेंगे विल एडवांस टू फाइनल राउंड, जितने भी राउंड्स होंगे उसमें उसके अंदर आपको जो है कैश प्राइजेस मिलने वाले, कोडिंग निंजा के 10,000 के स्वैग्स आपको मिलने वाले फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे आपको 7,500 के स्वैग्स मिलने वाले, थर्ड प्लेस पे 5,500 के, बेस्ट ऑल वुमेन टीम्स, अगर आपकी पूरी वुमेन टीम्स होती है तो 5,000 के कैश सॉरी स्वैग्स मिलने वाले हैं। फ्रेशर्स टीम रहेगी, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो, पूरी फ्रेशर्स की टीम है, तो आपको 4,000 दिए जा सकते हैं अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। साथ ही साथ ये ए वी वर्थ जो है वो मुझे नहीं पता क्या है, बट जो भी हो सकता है। ठीक है, अगेन कोड निंजा जो है स्टूडियो ई एक्सपी मतलब ये जो पॉइंट्स है ना ये आप यूज कर सकते हो, इसके थ्रू जो है आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो। सो ऑल, ये तो हमने बात कर ली। डेट्स की बात करें तो फेब 24 से 25 के बीच में राउंड वन होने वाला है, 26 को रिजल्ट आ जाएंगे, 27 से राउंड टू स्टार्ट होगा, 5 मार्च को आईडी सबमिशन की डेडलाइन होगी, 15 मार्च को डे वन होगा, 16 मार्च को डे टू होगा एंड ग्रैंड फिनाले होगा 17 मार्च को। सो ऑल ये वो पूरा थीम है। थीम की बात करें, सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ओपन इनोवेशन, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, हेरिटेज एंड कल्चर्स, ये थीम आपको प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा भी आप ले सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, जैसे इन्होंने ऊपर बोला। सो ये तो हो गया भैया कि इवेंट की बात है। अब बात करते हैं कि यार पार्टिसिपेट कैसे करें आपके गिव अवे में। आपने गिव अवे के बारे में बात करा था, गिव अवे के बारे में बात करते हैं कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्टर नाउ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप पर्टिकुलर इवेंट के अंदर आपकी उस ईमेल आईडी को यूज करना जिससे आप गिव अवे का फॉर्म फिल करने वाले, तो मेक श्योर करना जो भी आप ईमेल आईडी यूज कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए वो सेम होनी चाहिए जो आप अपने फॉर्म में भरने वाले हो, क्योंकि 2 से 3 विनर कोडिंग निंजा की टीम सिलेक्ट करके देगी और रिमेनिंग हमने सोचा है कि 7 से 8 विनर्स होने वाले हैं, तो रिमेनिंग हम सिलेक्ट करेंगे, अभी डिसाइड नहीं है कितने विनर्स होने वाले। ओके, बट हाँ 5 से ज्यादा होंगे इस बात की मेरी गारंटी है। ओके, सो ये कुछ ओवरऑल पूरा सीन होने वाला है, फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, रजिस्टर नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको बेसिक सी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका हूँ मैं एंड या मेरा लॉगिन है तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बाकी मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। यहाँ पे मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कौन सा, ये वाला गूगल फॉर्म, ये आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो है आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो इस फॉर्म पे आ जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है, ये फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस, अपना फुल नेम, ठीक है, ईमेल एड्रेस वही वाला भरना जो आप अपने इवेंट पार्टिसिपेट करने के लिए यूज कर रहे हो। ओके, डिफरेंट मत भरना वरना आपको सिलेक्ट नहीं करा जाएगा, एक चीज का ध्यान रखना। फुल नेम भरना, अगेन अपना ईमेल वापस से भरना जिससे आपने इवेंट में पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, कोडिंग निंजा के इवेंट में।
अपना टेलीग्राम यूजर नेम, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक कहाँ है, लिंक आपको जस्ट इस पेज पे आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, कनेक्ट अस ऑन बीटेक पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा लिंक ट्री मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मैं चैनल से लेकर, मैं लिंक्डइन से लेकर, व्हाट्सएप से लेकर सब कुछ मिल जाएगा, ये आप चेकआउट कर लेना, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही इनबिल्ट है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का यूजर नेम डालना है, इंस्टाग्राम का यूजर नेम मुझे फॉलो करने के बाद डालना, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी अगेन फॉर्म के अंदर ही डली हुई है, वहां से एक्सेस कर लेना, यहाँ पे आपको फॉलो कर लेना है, विनर को मैं वेरीफाई करूंगा, अब तक भी वेरीफाई करते आया हूँ, अब भी करूंगा, और ये नहीं माना जाएगा कि आप उस दिन ही फॉलो कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। ओके, नाउ अगेन लिंक्डइन का यूजर नेम आपको अपना डाल देना है, अगेन लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर लेना, एंड उसके बाद यहाँ पे भी मैं वेरीफाई करूंगा, सारी लिस्ट जैसे लास्ट टाइम करी थी हमने वैसे इस बार भी होने वाली है। अगेन नीचे स्क्रॉल करते हैं, बीटे के चैनल को फॉलो कर लेना, बीटे के चैनल को फॉलो नहीं कराएंगे, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट ऐड कर देना, अगेन जो लोगों ने लास्ट टाइम अनसब्सक्राइब करा था उनका डेटा मेरे पास आ चुका है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है, तो प्लीज फॉर्म मत भरना। ओके, सेकेंड बीईटी के चैनल की बात करें तो इस पर भी आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं करा अभी तक तो, और जिन लोगों ने करके रखा उन्हें कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीनशॉट डाल देना है अपना। अगेन जो लोग मुझे लेटेस्ट में करेंगे उनका डेटा मेरे पास आ जाएगा, और अगर आप उन लोगों से मैच करते हैं जिन्होंने अनफॉलो कर दिया बाद में, उन्हें हम इवेंट से डायरेक्टली आपके सामने उस दिन ही निकाल के दिखा देंगे कौन कौन लोग थे। ओके, सो ओवरऑल ये पार्टिसिपेशन के टर्म्स एंड कंडीशंस थी, अगेन बता दूं कि विनर्स कितने होने वाले हैं ये प्री डिसाइडेड नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स कि क्या रिस्पॉन्स आता है उस हिसाब से हम लेने वाले हैं। कोडिंग निंजा का इवेंट के स्वैग्स अलग है, हमारे स्वैग्स अलग होने वाले हैं, हमने कोलैब करा है तो हमारे स्वैग्स अलग होंगे, सो आप इवेंट पार्टिसिपेट करो एंड आपका जो भी डेटा हो यहाँ पे आप शेयर करो, एंड अगर आप सिलेक्ट होते हो तो, क्योंकि तीन विनर्स तो उनकी टीम ही सिलेक्ट करके देगी हमें, रिमेनिंग विनर्स हम खुद रैंडमली सिलेक्ट करेंगे आपके सामने। सो ओवरऑल ये कुछ प्रोसेस होने वाली है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल के दिन हमारी एक और वीडियो आने वाली है, आप लोगों की मनपसंद गूगल क्लाउड GCP वाउचर 100% ऑफ वाले किसी भी 5 विनर्स के लिए, ठीक है, हम ला रहा दिल बड़ा है, हम आपके एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ज्यादा वाउचर्स लेके आए हैं, ठीक है, मेक श्योर करके यार सपोर्ट करो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंड चैनल पर सब्सक्राइब करो, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके जाना, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।